इसका डिजाइन देखो, इसका मुंह में देखो और हाथ में देखो, देखो देखो कैसे खींच रही है, देखो जय श्री राम। दोस्तों आप सबको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज राम जी का जन्मदिन है, तो आज के दिन मेला लगता है, सब लोग खुशियां मनाते हैं, तो हम लोग भी आज जा रहे हैं मेला। तो मेला जाने की खुशी में दोस्तों ये लोग हैप्पी हैप्पी है। तो आज है चैत्र की रामनवमी, क्योंकि आज के दिन ही राम जी का जन्म हुआ था, तो इसी खुशी में हम लोग भी खुश है। जय श्री राम, जय श्री राम। इसका मतलब राम जी का बर्थडे है। बर्थडे है, राम जी का बर्थडे है। हेलो दोस्तों, आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप लोग कमेंट भी कीजिएगा जय श्री राम। तो भी मैं और युवराज ब्रश कर लेते हैं। क्या हुआ चीटी? चीटी कहाँ से आ गई है? पता नहीं, तुम्हारा मीठा पेस्ट है ना, इसीलिए अभिनहा लिया। दोस्तों मस्त, अब चलते हैं अपने घर पे भगवान जी को पूजा करके। आज का डे दोस्तों पूजा डे है हमारा, है ना, पूजा डे पूजा और मेला घूमने वाला डे है। यहाँ पे इतने सारे देवी देवता है, यहाँ पे विश्वकर्मा भगवान जी है, यहाँ पे दुर्गा माता है, और यहाँ पे प्रभु श्री राम जी एंड सीता माता है, बजरंगबली, शंकर भगवान, गणेश भगवान, सब देवता लोग है इसमें। और ये है लाल चंदन, ये मेरे दादाजी लाए थे बहुत पहले, अब दादाजी तो नहीं रहे, उनका याद रह गया है ये, तो इसको घींचना पड़ता है। तो अभी घींचते हैं और लाल चंदन लगा लेते हैं। ये वाला है, देखिए इसको ऐसे खींचना पड़ता है, ये पत्थर है। हम हमेशा सोचते हैं कि हम लोग घर पे आया कहाँ से, ऐसा पत्थर तो अभी नहीं मिलता है। ये पत्थर नहीं है, ये चंदन है, लाल चंदन बहुत महंगा होता है, ये सब जगह मिलता भी नहीं है। ठीक है, हाँ इधर देखो, करो पूजा। हमको नहीं बैठने दे रही है, आओ चुपचाप पीछे चलो, हमको नहीं बैठने दे रही है। आगे से कितने छोटे लोगों को आने के टाइम तो बैठने जाने के टाइम बैठ को लगा ना, हम अपने पापा यार डेरे में लिखी है एम सील काली ना, तो हम अपने मोटी के बाहर वीडियो बनावे ना आई तो वो दिन गई रही सुनता कितना अच्छा घोड़ा के बच्चे दौड़ा तेरा लोकर वीडियो ना खेलता जा हुआ था ठीक है मान जो ये हुई ना बात खत्म। युवराज का मन बदल गया तो पल्लवी को भेज दिया आगे, खुद चला गया पीछे। क्या आज अच्छा काम किया है युवराज पहली बार इसलिए हम लोग गोल दिख रहे होंगे एकदम। तो अभी दोस्तों चल दिए सब लोग, पल्लवी सीट बेल्ट लगाओ, तुमको लगाना है युवराज की तरह थोड़ी है, देखो हमको भी आता है लगाने। क्या बोल दी परी, क्या बोल दी? नहीं नहीं युवराज आता है तुमको, तुम तो इसमें सबसे स्मार्ट बॉय हो। तो अभी दोस्तों हम लोग पहुंच गए, इधर आगे है मेला लगा हुआ है, भीड़ काफी ज्यादा होता है यहाँ पे। बाइसिकल मैंने यहाँ पे पार्क कर दिया, यहाँ से है मेन गेट। राज बेल खाओगे? भीड़ देखो भाई, भीड़ युवराज बोल रहा था कि तुम लोग भुला गए। भीड़ बहुत ज्यादा था, मैं तो मंदिर के अंदर नहीं जाऊंगा,
मैं यहीं से खड़ा होकर पूजा कर लेता हूँ, अंदर नहीं जाऊँगा मैं, बहुत काफी ज्यादा भीड़ है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन साफ होना चाहिए। यहाँ पे परिसर में पहुँच गए हैं, कहीं भी खड़ा होकर पूजा कर लो। और भीड़ देखिए यहाँ पे, नंबर पूरा उधर पीछे तक सब नंबर ही लगा हुआ है, ये सब लोग लाइन में खड़े हुए हैं। जाओगे अंदर? नहीं। वहाँ गेट पर देखो, गेट पर भाई क्या हो रहा है, गेट पर ओ भाई। युवराज के प्रोटेक्शन के लिए परी यहाँ पे खड़ा है। पहनो चप्पल आराम से। यहाँ पे देखो ये जलेबी का डिजाइन, इसका डिजाइन देखो, पता है भांग का पता है। अच्छा, भीड़ में से दोस्तों निकल कर हम लोग आ गए इधर, इधर फर्स्ट क्लास बगीचा है। और मेरी माँ जो है, मेरे मामा जी के यहाँ के लोग कुछ मिल गए, ननिहाल के मेरे नाना जी के यहाँ के मामी वगैरह ये सब लोग थे, तो उन्हीं के साथ वो लोग पहले से लाइन में लगे हुए थे, तो वो चली गई दर्शन करके, वो आ जाएगी। इसमें से कुछ खरीदना है तुम लोगों को? है नहीं, मेला में सही नहीं मिलता है यार, है इसमें देखो तो नहीं है। चलो तब देखो, ये खोपरी यहाँ पे बिक रहा है जिया, इसमें तो ये तो कुआं भर गया है पूरा। चलो, अगर हम कश्मीर नहीं जाएंगे, वायरल हो गए, तो तुम लोगों को दो तीन दिन या चार पांच, दो तीन दिन में ही लाके मैं यहाँ पे अच्छे से सब जगह घुमाऊंगा, एक्सप्लोर करूंगा सब कुछ। पल भी देखने लगी ज्वेलरी, कौन सा देखो, जो पसंद आता है वो ले लो, पसंद आएगा तभी, जबरदस्ती नहीं है। आइसक्रीम खाने का ये लोग नया रिकॉर्ड बना दिया, देखो ये देखो। और युवराज का तो अलग ही है, देखो ये इसका मुंह में देखो और हाथ में देखो, ये दो इसे। हाथ मत छोड़ना किसी का, समझे, सब लोग एक एक, हाँ हाथ पकड़ो। ऐसे लोगों को डोनेट किया जाता है, ऐसे लोगों को देखो, जिनका पैर यहाँ से कट चुका है, ऐसे लोगों को दिया जाता है। दो किसको किसको जाना है? नहीं जाना है, कुछ तो खरीदो युवराज मेला से, इधर आ जाओ। इसमें देखो, इसमें हो सकता है कि तुम्हारे काम का कोई चीज मिल जाए। तोड़ेगा तब ना टूटेगा, ऐसे कैसे टूट जाएगा? जादुई छड़ी, धूप भी है और धूल भी है। और यहाँ पे सिकंजी है, पी लेते हैं क्योंकि ये ढका हुआ है, इसमें धूल का उतना इशू नहीं है। युवराज को देखो, यहाँ पे कद्दू का सेल लगा हुआ है इस मेला में से, वहाँ से ले लिए कद्दू और यहाँ से ले लिए वाटरमेलन। ये तो खतरनाक जाम है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे, बाइक वाले भी रुके हुए हैं। यहाँ पे ट्रैफिक फंसने का मेन कारण है ओवरटेक, एक गाड़ी उधर है एक गाड़ी इधर, देखो ऐसे ऐसे में उधर वाला गाड़ी किधर से आएगा, तो यही कारण है, यही रीजन है कि ट्रैफिक फंसता है। और इधर से ये सब गाड़ी, अरे युवराज आ जाओ, आगे बैठोगे? बहुत हुआ बैठने तो आज पल्लवी को, नहीं सबसे ज्यादा प्यार हम तुमसे करते हैं, लेकिन उसका भी तो मन है, वो भी तो आदमी है। सुगौली चलेंगे ना कल, तो तुम बैठना आगे। नहीं, अब यहाँ से पेट्रोल डलवाते हैं और चलते हैं। अपने गाड़ी पं, पंचर ना हो जाए, थोड़ा सा दो बोलो पल भी। 1,002 रुपया के, 1,002 रुपया, 1,002 रुपया पेट्रोल है। हाँ, डीजल है, पेट्रोल है तो कितना है? 90 पेट्रोल, 93। कौन उल्टी कर रहा है? पता नहीं, डकार भर लगी है। कौन? परिया। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आगे बाइक का सेल लगा हुआ है, जिनको जिनको चाहिए आके ले लीजिए। तो ये दोस्तों हम लोग आ गए लोहरिया, और ये जो नहर है, ये पहले बड़ा नहर था, छोटा कैसे हो गया? माटी भरा गया।
तो अभी दोस्तों मैं आ गया हूँ जहाँ पे मेरा बचपन बीता, जहाँ पे मैं पला बढ़ा वहाँ पे मैं आ गया हूँ। पहले मेरे सभी मामा लोग एक ही घर में रहते थे। चलिए मैं वो घर भी आपको दिखा रहा हूँ। अभी सब लोग डिवाइड हो गए हैं, बच्चे सब बड़े बड़े हो गए। देखो ये वाला कुआं है, इसी में नहाते थे हम। ओ भाई ये तो इसमें कचरा बैठ गया है, पहले बहुत साफ पानी हुआ करता था इसका। ये देखो पल्वी को क्या कर रही है, बछड़े को खिला रही है। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। अरे वाह, ले लो, लेकर चलोगी घर? क्या हो काल बा खुश रहो विजय भैया। हाँ अरे है पल्वी के मौसी जी का घर, काफी दिनों के बाद यहाँ पे आए हैं तो सबसे मिल लेते हैं। लाइफ का क्या भरोसा है कब क्या हो जाए, तो अभी है आए हैं तो सबसे मिल लेते हैं। इसके बाद फिर पता नहीं कब आएंगे कब नहीं आएंगे। मेरे सभी मामा लोग इसी घर में रहते थे। ये पुराना वाला घर है और नया वाला मतलब एक ये बना हुआ है, एक ये और एक वो, और यहाँ पे तो ताला लगा हुआ है। शायद ये लोग कहीं गए होंगे तो यहाँ पे ये लोग आ गए। और देखो यहाँ पे कैसे बैठ के, और ये मेरी भाभी लगेगी और युवराज की मौसी। यहाँ पे देखो इतने बड़े बड़े मैंगो हो गए हैं, इतने बड़े बड़े तोड़ोगे? मगर खाएगा कौन, कच्चा अच्छा नहीं लगता है। खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो। पीछे से प्रणाम किया जाता है। ये हैप्पी भैया, नाम है हैप्पी, हैप्पी भैया। बचपन मेरा इनके साथ बीता है, खेलते थे जाते थे उधर। हाँ ये भाभी है, इनसे हम मिल लिए हैं मेला में ही। युवराज नहीं मिला है, प्रणाम करो। पल्वी कौन है पहचानती हो? तुम्हारी मामा की मौसी और मेरी मामी। आज खाली फ्रूट फ्रूट ही खा रहे हैं सुबह से। चलो अच्छा है, चलो युवराज। भैया नहीं जाने दे रही है तुमको, चियाई तो खींच रही है। अब क्या होगा युवराज, अब रहो इसी के साथ तुम खेलना। अब देखो देखो कैसे खींच रही है, देखो देखो खींच भी पाई। अच्छा तो देखो ना कितनी छोटी है, फिर भी देखो खींच रही है तुमको। देखो ये तुम्हारे साथ खेलना चाहती है, देखो ये बॉल। पूजा होता है ना तो शंकर भगवान को यही लोग चढ़ा के भांग धतूरे, भांग नहीं धतूर है, बहुत खतरनाक होता है। अगर इसका एक भी अगर दाना कोई खा लेगा थोड़ा सा वो पागल हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों पहुंच गए घर पे। चलो युवराज उतरो नीचे, उतरो सब लोग नीचे उतरो। यहाँ पे इस बाइक ने परेशान कर दिया पल्वी को, और गेट में भी लग गया है स्क्रैच यहाँ पे इससे इससे। अभी इवनिंग के 7:31 हो चुका है और किसी को अभी डिनर करने का मूड नहीं है, फ्रूट ज्यादा खाए हैं आज। और देवी जी को देखिए यहाँ पे सोई हुई है, तबीयत इनका थोड़ा खराब है, सर में दर्द हो रहा है। और पल्वी यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाई कर रही है, और ये लोग भी नया नया बुक आया है तो पढ़ाई करने का एक्साइटमेंट थोड़ा ज्यादा है। हम लोग भी बचपन में जब नया बुक मिलता था तो बहुत ज्यादा पढ़ते थे। तो आज का ब्लॉग मुझे लगता है दोस्तों कि ज्यादा ही हो गया है, परी युवराज को पढ़ा रही है। तो फिलहाल दोस्तों इस ब्लॉग को एंड कर देते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। दोस्तों मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय।